A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift, which is moving A. upward with a uniform speed of meter per second, B. downward with a uniform acceleration of 5 meter per second square, C. upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale in each case? D. What would be the reading if the lift mechanism failed and it held down freely under gravity? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक मैन है जो कि लिफ्ट के अंदर किसी वेट करने वाली मशीन के ऊपर खड़ा है और हमसे कह रहे हैं कि वो लिफ्ट जो है वो कभी ऊपर चल रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर एक एक्सेलेरेशन जा रही है, कभी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है। तो इन सब सिचुएशन में वो जो मशीन है वो वेट कितना रीड करेगी, ये हमको बच्चों बताना है। अच्छा, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है, कि पर्सन ये बैठा हुआ है, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा, ये पर्सन, मान लीजिए लिफ्ट है और ये इसके अंदर वेट करने वाली मशीन है, इस पर ये पर्सन खड़ा है और ये लिफ्ट वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो हमको बताना है इसका वेट कितना होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब आप किसी वेट करने वाली मशीन पे खड़े होते हैं तो आपका वो वेट कैसे मेजर करती है? वो मशीन आपका वेट मेजर करती है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जितना होता है वो उतना ही वेट आपका मेजर कर देती है। अगर फ्लैट सरफेस पे मशीन रखी है, उस पर आप खड़े हैं, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वही वेट वो लिफ्ट ये वो मशीन जो होती है वो मेजर करती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो हमको हर केस में बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर लेना है, बस उतना ही वेट वो मेजर करेगी। तो देखिए, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस समय पर्सन पर अगर वो मशीन पे खड़ा है तो उस पर एक वेट लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, अगर इसका मास m दिया है। नॉर्मल रिएक्शन इस पे जो लग रहा होगा बच्चों को कहां लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है बच्चों? जीरो। अब देखिए इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स लगेगा एन माइनस एम जी, भाई एन ऊपर एम जी नीचे, बॉडी ऊपर जा रही तो एन माइनस एम जी, ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अगर दो फोर्स काम कर रहे हैं तो जिधर बॉडी जा रही उधर का ही फोर्स बड़ा हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, तो n माइनस mg, और ये बराबर किसके हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो मास m और इंटू एक्सेलरेशन जीरो, मतलब n माइनस mg इज इक्वल टू जीरो या n इज इक्वल टू mg, यही तो उसकी रीडिंग होगी। ये उसकी क्या होगी? रीडिंग होगी इस सिचुएशन में। तो रीडिंग उसकी कितनी हो जाएगी? mg, यानी कि 70 इंटू 9.8, ठीक है, तो वो रीडिंग कितनी देगा? तो रीडिंग के लिए बच्चों वो तो वेट जो पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो किलोग्राम वेट में पड़ते हैं, तो जब किलोग्राम वेट में किसी वेट को कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? उसमें जी से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये तो निकलेगा बच्चों न्यूटन में, तो जब न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? स्मॉल जी से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 70 इंटू 9.8 अपान जी, यानी कि 70 इंटू 9.8 अपान 9.8, यानी कि आ जाएगा बच्चों हमारे पास 70 किलोग्राम। सो द रीडिंग इन दिस सिचुएशन विल बी 70 किलोग्राम फोर्स या 70 किलोग्राम वेट। इस समय वो पर्सन का वेट 70 किलोग्राम वेट ही मेजर करेगी, अगर वो 70 किलो का है तो 70 किलोग्राम वेट मेजर, मतलब रियल वेट मेजर करेगी। तो इस सिचुएशन में जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रही होगी, उस समय वो लिफ्ट के अंदर जो मशीन लगी है वो उसका रियल वेट मेजर करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हमसे क्या कह रहे हैं
कि अगर लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसेलेरेशन से नीचे आ रही हो, फिर से सोचो बच्चों, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, अच्छी बात है। और इस लिफ्ट में बच्चों ये कोई वेट करने वाली मशीन रखी है, ये उस पर पर्सन खड़ा है, और लिफ्ट बच्चों आ रही है नीचे की तरफ, इसका एसेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आपको पता है लिफ्ट में इस समय दो फोर्स काम करेंगे इस पर्सन पे, एक तो mg नीचे लगेगा और एक जो नॉर्मल रिएक्शन उस लिफ्ट में रखी मशीन से लगेगा उस पर्सन पे, वो कहाँ लगेगा, ऊपर, और ये नॉर्मल रिएक्शन ही उसकी रीडिंग को बताएगा। तो इस सिचुएशन में सोचो बच्चों, लिफ्ट नीचे आ रही है, किसी बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं और बॉडी इस तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो इधर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो नीचे की साइड वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए इस सिचुएशन में, यानी कि नेट फोर्स इस पर आएगा mg - n, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर कोई m मास की बॉडी a एक्सेलरेशन से चल रही हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, ma, तो ये m मास का पर्सन है और a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, m into a, यानी कि इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या लगेगा बच्चों, ma। अच्छा, तो इस सिचुएशन में n की वैल्यू कितनी आएगी, देखो n को इधर ले जाओ, ma को इधर ले जाओ, तो n इक्वल टू हो जाएगा mg - ma, ठीक है, या n इक्वल टू हो जाएगा mg - a, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसका मतलब उसकी रीडिंग कितनी होगी, ये फोर्स तो बच्चों न्यूटन में आएगा अगर सारी वैल्यू रख दें, तो हो जाएगा mg - a / g, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम वेट, ठीक है। और यहां तक ये किस में आ रहा था, ये न्यूटन में आ रहा था, ये जो नॉर्मल रिएक्शन था ये किस में आता, न्यूटन में, अगर जी की वैल्यू 9.8 और ए की वैल्यू 5 रख देते तो ये न्यूटन में आता, तो हम उसको किलोग्राम वेट में फाइंड कर लेते हैं। एम कितना दिया है बच्चों, 70, जी कितना दिया है, जी स्मॉल जी 9.8, अच्छा, माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है 5 / g, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो ये कितना आएगा बच्चों, 70 × 4.8 / 9.8, अप्रॉक्स इसको अगर डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स ये 2 times जाएगा, वैसे तो 2.01 समथिंग जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा बच्चों 35 किलोग्राम वेट। इसका मतलब इस सिचुएशन में वो लिफ्ट जो है उसके अंदर जो मशीन लगी है वो उस पर्सन का वेट कितना रीड करेगी, अप्रॉक्स 35 किलोग्राम वेट, ठीक है। होना कितना चाहिए था 70, लेकिन चूंकि लिफ्ट नीचे आ रही है एक एक्सेलरेशन से, इसलिए उसका वेट अब कितना मेजर किया जाएगा लिफ्ट के अंदर, वो मेजर करेगी मशीन 35 किलोग्राम वेट। अच्छा, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन बच्चों क्या हो रहा, कि ये लिफ्ट है, अच्छा, ये इसके अंदर एक मशीन रखी हुई है, इस पर एक आदमी खड़ा है, ये तो पूरा सिस्टम है। और बच्चों ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका एसेलेरेशन दे दिया है 5 m/s², इस एसेलेरेशन से वो ऊपर जा रही है, तो इस सिचुएशन में हमको बताना है कि उसका वेट कितना रीड करेगी। अच्छा, तो बेटा देखिए इस समय उस पर जो वेट लगेगा mg वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पर्सन पे कितना लगेगा, ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स यहां पे क्या बनेगा, m into a, लेकिन नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, फिर वही बात, जब बॉडी पर दो ही फोर्स काम कर रहे हो, केवल इस आदमी को अगर देखो तो एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, और लिफ्ट जा रही ऊपर, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स है तो उनको घटा के निकालना है, तो बड़े में छोटे को घटाएंगे, ठीक है, तो ग्रेटर कौन होना चाहिए, एन, क्योंकि ऊपर जा रही बॉडी, तो n - mg, तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, n - mg, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ma के, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अच्छा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg + ma, यानी कि अगर मैं m को कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, g + a, ये नेट फोर्स लगेगा, ये बच्चों न्यूटन में लगेगा, किस में लगेगा, न्यूटन में लगेगा।
हमको तो यहां पर किलोग्राम वेट में आंसर चाहिए, तो किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना होता है तो स्मॉल जी से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे तो रीडिंग इसकी जो मिलेगी हमको विंग मशीन की वो क्या मिलेगा, एन अपान जी, ये बन जाएगा किलोग्राम वेट। एन की वैल्यू एम जी प्लस ए अपान जी, ठीक है, अच्छा किलोग्राम वेट। वैल्यू पुट कर दो बेटा, एम की वैल्यू 70, जी की वैल्यू 9.8 प्लस 5 अपान 9.8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 70 इंटू 14.8 अपान 9.8, ठीक है। अब वही बात है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है 105 किलोग्राम वेट। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो उसकी रीडिंग आएगी वो आएगी 105 किलोग्राम वेट। सोचो पर्सन कितना है 70 किलोग्राम का, उसमें रीडिंग कितनी आ जाएगी 105 किलोग्राम वेट है। उसको लगेगा मैं कितना हैवी हो गया, कितना मोटा हो गया, जबकि रियलिटी में वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि लिफ्ट मोशन कर रही इस वजह से उस वेट में ऐसा रहा। अच्छा बच्चों अगर मैं फोर्थ केस की अब बात करता हूं कि अगर लिफ्ट की रस्सी मैकेनिज्म फेल हो जाती, लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो गई और वो फ्री फॉल होने लगा, जब मैकेनिज्म फेल हो जाएगी तो लिफ्ट क्या होगी, फ्री फॉल होगी, उस समय उसका वेट निकालना है। अंदर जो आदमी खड़ा हो तो सोच रहा होगा मेरे तो प्राण जा रहे हैं, इनको वेट निकालने के पड़े, लेकिन फिर भी अब वेट निकाल देते हैं। क्वेश्चन है जो, अब देखो बच्चों ये लिफ्ट है, अच्छा ठीक है, और इस लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो गई, जब मैकेनिज्म फेल हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी, कितना एक्सीलरेशन होगा उसमें, जी के बराबर होगा, फ्री फॉल होने लगेगा। अब सोचो इसके अंदर जो आदमी था वेट करने वाली मशीन पे, इस पे अभी भी दो फोर्स लगेंगे, एक एम जी और एक लगेगा बच्चों एन, एक एम जी लगेगा और एक क्या लगेगा एन, और जो एन की वैल्यू होगी वही उसकी रीडिंग होगी। तो नेट फोर्स इस पे कैसे निकालो, वही बात है नीचे जा रही है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा मान कर लेते हैं, तो एम जी माइनस एन, तो नेट फोर्स क्या होगा एम जी माइनस एन बराबर, नेट फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे स्मॉल जी, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है स्मॉल जी, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे देखो एम जी माइनस एम जी, मतलब एन हो जाएगा जीरो। सो देयर इज नो एनी वेट ऑफ द पर्सन इन द सिचुएशन व्हेन मैकेनिज्म ऑफ द लिफ्ट विल बी फेल्ड, जब मैकेनिज्म फेल हो जाती है तो उस समय उस पर्सन का कोई वेट मेजर नहीं होगा, वो फ्री फॉल करेगा, ठीक है, तो उसका कोई वेट मेजर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों,